मिठल, कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि चूल्हे की आग यहाँ तक फैल गई है। ये लीजिए नींबू शरबत। नींबू शरबत है? अच्छा बेटी, इधर आओ, ये लो पंखा और इनको झलते रहना। ये शादी कब शुरू होगी महालसपति जी? बस पंडित जी अभी आते होंगे। सेवा सत्कार के लिए कम से कम 10 लोग होने चाहिए थे यहाँ पे, सबको पंखा झलने के लिए। हरिओम सरकार, पधारी, आई। सरकार, ये विष्णु के ताऊजी हैं, परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य यही हैं। और ताऊजी, ये हमारे गांव के मुखिया कुलकर्णी सरकार। सरकार, यही है वो ताऊजी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इन्हें यहाँ किसी भी चीज से खुशी नहीं मिल रही है। हरिओम, आते समय मुझे जानकारी मिली कि आपको बड़ी असुविधा हो रही है यहाँ पे। यदि मुझे पता होता कि बारातियों की सेवा करने के लिए यहाँ लोगों का अभाव है तो मेरे साथ कुछ दास ले आता मैं, जो आप सब लोगों का ध्यान रखते। हरिओम। बहुत सुना था आपके बारे में, आज आपसे मुलाकात हो गई। अब पता चलेगा। क्या बताऊं सरकार, जलपान इतना बेकार था कि न निगला जा रहा था न थूका जा रहा था। भूख से बिलबिला रहा हूं मैं, एक भी इंतजाम ढंग से नहीं किया इन्होंने। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे भतीजे की शादी ऐसी होगी। मैंने सुना है इस विवाह के पीछे साईं नाम का कोई बैरागी का हाथ है। बैरागियों के चक्कर में पड़ के रिश्ते जोड़ेंगे तो ऐसे भिखारी लोग ही मिलेंगे ना। हरिओम हरिओम। मंता पंता जी। सरकार सरकार, ताऊ जी को बहुत भूख लगी है, रसोई में जाओ, वहां खाने के लिए कुछ बना होगा तो किसी को कहो प्रबंध करे। हरिओम जी। जी सरकार। हरिओम जी। सुनो, दूध आ जाए तो बताना, खीर पकानी शुरू करनी है मुझे। हाँ जी। सभी को आपके हाथों की बनाई हुई खीर की प्रतीक्षा है भाईजाक का। बस खीर अच्छी बन जाए, मुझे तो घबराहट हो रही है। ये खीर बना रही है अपने हाथों से,
अगर ये खीर खराब हो गई तो कई हिसाब चुकता हो जाएंगे बाजार का से। लड्डू। हाँ, मैंने कहा था ना तुम सबसे, यमुना दीदी के विवाह में हमें मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। मालसा पति जी और यमुना दीदी ने हमें याद रखा। चलो चलो सब खा लो मिठाई। अंता जी, आज एक साथ दो दो खुशियां मनाने का अवसर मिलेगा हमें। हाँ अंता जी, साई के दोनों भक्तों पर क्या निशाना साधा है हमने। वहिनी, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? पता नहीं क्यों केशव को लेकर कल से बहुत चिंता हो रही है मुझे भाईजाक का। हर ईश्वर तो जैसे मेरा दिल आशंका से बैठा ही जा रहा है कि कुछ कुछ बुरा होने वाला है। डरो मत। देखो जो कल हुआ से भूल जाओ, हम तो तुमसे दोस्ती करने आए हैं। आज विद्यालय में अवकाश है, हम लोग खेलने जा रहे हैं। तुम खेलोगे हमारे साथ? ठीक है, तो चलो फिर। भाईजाक का इतने में हो जाएगा ना? मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे, थोड़ी सी और ले लीजिए। अरे सुनो, बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, यही हाल रहा वो जीवित नहीं बचेगी। केशव, केशव, केशव उधर नहीं, इधर, इधर, केशव इधर, केशव, केशव इधर, केशव उधर नहीं, इधर, पकड़ो हमें केशव। अरे केशव इधर, इधर, केशव। कहाँ लेके आ गए?
लुका छुपी खेलने के लिए तो बहुत सारे पेड़ पौधे चाहिए ना, तभी तो आनंद आएगा खेलने में। हाँ और नहीं तो क्या। क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं तो। तो चलो फिर खेलते हैं। चलो चलो भूड़ो हमें। आओ केशव। केशव इधर। केशव इधर। केशव इधर आओ। भाईजा का खीर बन गई क्या? हाँ हाँ बस बनी रही है। बच्ची लेके आ जाओ। चलो बेटा। केशव मैं यहाँ हूँ। केशव केशव पकड़ो। भाईजाक का हाँ? आपने खीर में इलायची नहीं डाली? हाँ डाली थी ना। खीर में हींग डाल दी मैंने। खंडोबा इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? पाइजाक का हाँ? खीर बनी। बेटी की शादी में अनर्थ हो गया मुझसे, क्या क्या करूं मैं?
केशव की रक्षा कीजिए। कभी भी मुसीबत आए, संकट आए, तो मन से साईं को याद करना, प्रार्थना करना उनसे, भय मुक्त करेंगे वो। साईं मेरी रक्षा कीजिए, साईं मेरी रक्षा कीजिए। गलती से हींग डाल दी मैंने, दूध फट गया, खीर खराब हो गई और अब इतना समय नहीं है कि मैं दोबारा से खीर बनाऊं। कहीं है कोई अपशकुन तो नहीं? साईं ने तो कहा था कि सब ठीक होगा, फिर इस विवाह में इतनी बाधाएं क्यों? साई का ही आसरा है। मत जाइए साईं,
मदद करो मेरी। साईं मेरी रक्षा कीजिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब तो विवाह भी शुरू हो गया है। पायसमा, इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती आप पर। साईं, यमुना को बेटी माना है मैंने, उसके विवाह के लिए बनाई खीर खराब कर दी मैंने। जानते हो हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी के विवाह से कोई भी असंतुष्ट होकर नाराज होकर ना जाए, लेकिन अब तो वही होने वाला है। लेकिन पायसमा, आपसे किसने कहा कि खीर खराब हो गई है? मैंने खुद देखा है साईं, दूध फट गया है। बाजमा, आपको साईं, आप ही बारातियों के साथ भोजन कर लीजिए। इन्हें बहुत दूर जाना है, इसलिए इन्हें पहले खाना परोस रहा हूं। महासभापति जी, बेटी का ब्याह है, पहले कैसे खा सकता हूं? मैं खीर परोसूंगा, जैसे आपकी इच्छा। खराब हो चुकी खीर कैसे परोस सकते हो तुम? वो खीर नहीं है बायजामा, वो आपकी ममता है। हर ममता कभी खराब नहीं हो सकती। शायद खीर तो स्वादिष्ट होगी। क्या खीर अपने जीवन काल में इतनी स्वादिष्ट खीर पहले मैंने कभी नहीं खाई। और दीजिए खीर, लाइए। जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साईं रे, कृपा
दृष्टि से मिट जाएंगे मेरे लखचौरा से रे। जब सागर तर दे घन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु अलख उजियारे अलख निरंजन साईया अज्ञान तिमिर से घिरा बनिया ज्योतिष भंकर साईया ओम आशीर्वाद से इस खीर से खटास निकाल दी है तुमने, वैसे ही हम सबके जीवन से खटास निकाल कर उसमें मिठास भर देते हो तुम, खुशियां भर देते हो। जी भला करें। बैरागियों के आने जाने का समय तो तय होता नहीं, लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ, ऊपर से पंखा झालने वाला भी कोई नहीं है। ए, पंखा है क्या? नहीं, इंतजार ही करना पड़ेगा महेश जी। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं लोग यहाँ, इन छोटे लोगों की परेशानियां कभी खत्म होती ही नहीं है। साईं, इसी सब में उलझे रहेंगे तो हम बड़े लोगों की मदद कब करेंगे? Mm-hmm.
बंद करिए, क्या मुझे शांति से बैठने मिल जाएगी? यही रोजगार है मेरा बाबूजी, यहाँ आने में ही आधा दिन निकल गया, कुछ काम नहीं किया मैंने। जब तक साई आते हैं तब तक थोड़ा काम निपटा लूंगी। चुप हो जा बेटा, अब तो साई के दर पे आ गया है, यहां से सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये साई है? मेरा नाम सक्कावा है, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बड़ी दूर से इसी उम्मीद में लेकर आई हूँ इसे यहाँ, अब आप ही मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकते हैं। सही उसका इलाज कैसे पहले होगा? पहले तो मैं आया हूं। तुम आए पहले जरूर थे लेकिन दूर। रोग तो बहुत बढ़ गया है, इसे लेकर पहले क्यों नहीं आई माई? चाहती तो थी लेकिन ना तो मेरे पास इलाज के पैसे ना ऊंची जात, डर लगा पता नहीं आप अंदर आने भी देंगे या नहीं। फिर सुना आपके कारण अछूतों की बस्ती में भी दिवाली हुई, आपने दिए जलाए वो भी तेल से नहीं पानी से, उसी चमत्कार की रोशनी में मेरी आंखें भी खुली। हाँ मैंने सोचा आप ही मेरी मदद कर सके। बस बहुत हो गया उसका इलाज, अब मेरी सुनो। मुझे नींद नहीं आती है, इतनी रातों से सोया नहीं हूं जिसकी गिनती भी संभव नहीं है। आसपास के गांव के हकीम वैद्य ज्योतिषी सबको दिखा लिया मैंने, तुम्हारे इलाज के बारे में काशीराम से सुना था इसलिए आया हूँ। कर पाओगे इलाज मेरा? ये तो साफ बोल दो, मैं घर चला जाता हूँ, वैसे भी बहुत गर्मी है यहाँ। तुम करते क्या हो? पिताजी के खेत हैं। तो खेत में हल चलाते हो? अरे नहीं नहीं उसके लिए तो किसान है जो हमारे लिए काम करते हैं। तो फिर बाजार में जाकर अनाज बेचते होगे? वो काम हमारा मुनीम करता है। तो फिर तुम इसका हिसाब किताब तो रखते ही होगे? नहीं वो पिताजी रखते हैं, और इन सवालों का क्या मतलब है? तुम इलाज कर रहे हो या नहीं? मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। तुम्हारी व्यस्तता मैं समझ गया।
का लेप अपने बच्चे के शरीर पर लगाना सिर को छोड़कर। अब 3 दिन बाद आना। और मेरी दवाई? तुम्हारे लिए भी मिट्टी ही तुम्हारा इलाज है। तुम्हें भी अपने शरीर को मिट्टी से ढककर रखना होगा। मिट्टी से? पर दो अलग अलग बीमारियों का इलाज एक ही मिट्टी से कैसे संभव है? दवाई चाहिए या नहीं ये बताओ। अब आ ही गया हूं तो ये भी आजमा लेता हूं। हाथ दो। तुमने तो कहा था इस मिट्टी का लेप लगाना है और इतनी सी मिट्टी दे रहे हो मुझे? मजाक कर रहे हो क्या? बाकी की मिट्टी तुम्हें तुम्हारे खेत में ही मिल जाएगी। पर याद रहे, दवा का असर होने के लिए तुम्हें खुद अपने हाथों से खोदना पड़ेगा और उसका लेप पूरे शरीर पर लगाना पड़ेगा, वो भी साफ जमीन पर बैठकर। और उस जमीन को भी तुम खुद साफ करोगी। वचन दो। मुझे क्या जाना होगा इतनी गर्मी में? और वो भी लगातार 3 दिनों तक। तीन दिन तक? ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेता हूं। और मेरी बात सुन लो, मेरा समय बर्बाद जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तक गई नहीं माई। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन आपने मुझे दवाई दी। बदले में मुझे कुछ तो देना चाहिए ना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। जाओ माई, 3 दिन तक अपने बच्चे की सेवा करो, फिर आना। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं भाई, बाकी अल्लाह मालिक। अच्छा किया अपनी आत्या को लेने आए हो, लेकिन समझाना उन्हें इस बार श्राद्ध कर दे। वैनी ना किसी की सुनती है ना समझती है। अरे इंसान जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, कब तक शोक मनाएंगी वो?
एक साथ एक ही घर में रहते हैं, सुनना तो हमें पड़ता है ना लोगों से। समाज के बनाए रीति रिवाजों का पालन तो सबको करना पड़ता है। स्वर्गीय आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध जरूरी है या नहीं? वहिनी तो तेरहवीं करने के लिए भी तैयार नहीं थी, वो भी हमने की। अब श्राद्ध नहीं करने देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी संतानों पर? समझाना अपनी आत्या को। अगर वो श्राद्ध नहीं करने देंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी संतानों पर? समझाना अपनी आत्या को। किसे समझाने की बात हो रही है तानाजी? जी वो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही जी। पिछले 15 सालों से इस परिवार का, तुम सभी का भरण पोषण कर रही हूं मैं, वो भी अकेली। मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास मत करना, कुछ भी छुपा नहीं है मुझसे। सुहासिनी आत्या, हमें देर हो रही है, शिरडी का सफर बहुत लंबा है और अंधेरा होने तक हमें किसी ना किसी सराय तक पहुंचना ही होगा। आइए। प्रणाम। गरजने से कुछ नहीं होगा, तू तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है तू। क्या तू नहीं जानता उस दुखियारी वृद्धा को जिसके पति को काल ने छीन लिया है, और जीने के लिए क्या चाहिए उसे? उसकी संतान का सहारा, और वो सहारा भी ना होने पर इस दुख का बोझ अकेले कैसे उठाए वो? पूरे गांव में ना बादल है ना बिजली, तो फिर यहां पे क्यों बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही? उस दुखियारी के दुख को थोड़ा भी कम कर सकूं मैं, इतनी शक्ति तो दे मुझे।
की दवाई ने चमत्कार कर दिया साईं, चमत्कार कर दिया। देखिए अपने पैरों पर चलकर आया है मेरा बेटा। इधर आओ, बैठो। पहले से तो बेहतर लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा। मैंने इधर अभागी आपका ऋण चुका हूं तो कैसे? बैठो। अल्लाह मालिक, ये लो माई, इसे एक सप्ताह तक दिन में दो बार पानी के साथ देना। और ये लो मिट्टी, इसके पूरे शरीर पर भी लगाती रहना। राम जी ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने भगवान को नहीं देखा, मैं बस इतना जानती हूँ कि आपने मेरे बेटे को ठीक किया है। आप कृपा करके ये बताइए कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं? गरीब हूँ साई, लेकिन मुफ्त में कभी किसी से कुछ नहीं लिया। माई, हर ऋण सिर्फ धन, सिर्फ पैसे से नहीं चुकाया जाता। तुम्हें मदद की आवश्यकता थी, मैंने मदद कर दी। बस कि जब भी उसे कोई ऐसा मिले जिसे मदद की आवश्यकता हो, तुम भी बस उसकी मदद कर देना, और बदले में उससे कुछ न लेना। उससे कहना कि जब भी उसे कोई ऐसा मिले जिसे मदद की आवश्यकता हो, तो बस उसकी मदद कर दे। बस बस ऐसे ही एक एक करके लोग जुड़ते जाएंगे, और एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया बनेगी जहां कोई भी खुद को अकेला नहीं पाएगा। ऐसा समाज, ऐसी दुनिया बनाने में मेरी मदद करो। बस बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साईं, मुझे आपका कर्ज चुकाना है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसकी मदद करूं? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, हमें बस सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। बहुत दूर से आई हो माई, बच्चे को भूख लगी होगी। भूख लगी है? तुम्हारे जाने से पहले कुछ खाने का प्रबंध करता हूं। अरे वहनी, जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी है। बस बस, ये लो शारदा, ये लो।
ये लो, ये इन्हें दे दो। अरे वाह, बहुत अच्छी बनी है पूरणपोड़ी, तुम भी खा के देखो। क्या हुआ? वो केशव को पूरणपोली बहुत पसंद है ना, उसे तो वहां मिलती नहीं होगी, है ना? तुम भी ना हमेशा दुखी रहती हो, चाहे कोई कारण हो या ना हो। अरे बड़े बड़े उद्देश्य के लिए ऐसे छोटे मोटे त्याग करने पड़ते हैं। देखना, जब बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला साहेब बनकर आएगा ना केशव, तो तुम्हारी पूरन पोड़ी का स्वाद नहीं याद रखेगा वो। रखेगा क्या? केशव की भलाई के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए दादा ने उसे वहां भेजा है। बड़ी योजना है दादा की इसके पीछे। तुम देखना, देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाएगा हमारा केशव। बोरी लेके आना अंदर। हाँ साईं, राम जी भला करें। ये क्या लिया है? गेहूं है साईं, पिताजी ने भेजा है आपके लिए। आपकी दवाई काम कर गई, पहले दिन से बड़ी अच्छी नींद आई, पर बहुत मेहनत वाला काम था। खुद गड्ढा खोदा, मिट्टी निकाला, उसे उठाकर घर ले गया, घोला, खुद जमीन साफ की, फिर लेप लगाया। इतना करने के बाद तो अगर मैं चाहता तो भी नहीं जाग पाता। परंतु इलाज तुम्हारा हुआ था तो ये बोरी भी तुम्हें खुद ही लानी चाहिए थी। घर से उठाकर इतनी दूर तक कैसे ला पाता? इसके लिए मेरे पास नौकर है। श्रम से ही सब कुछ होता है, बिना श्रम मिले कुछ ना ही। सीधी उंगली घी जमो, कबसू निकसत ना ही। जैसे जमे हुए घी को सीधी उंगली से निकालना असंभव होता है, इसी तरह बिना मेहनत किए लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होता। उपचार जारी रखना। ठीक है, पर अब इसे कहां रखूं? मैं क्या करूंगा ये गेहूं लेकर? मेरे लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। साईं, आप गेहूं लेने से इनकार मत कीजिए। घर गई थी साईं, एक यही काम तो आता है, पत्थर को कूटकर रसोई के उपकरण बनाना। अब आप इस हाथ चक्की से द्वारका में ही गेहूं पीस सकते हैं।
अल्लाह मालिक। ये हाथ चक्की हमेशा द्वारका माई में रहेगी। बहुत सही समय पर शिरडी में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ना, खंडोबा जी के मंदिर में मालसापति जी आरती कर रहे हैं। अब्बा जी, अत्या, आप भी आइए दर्शन के लिए। हम पहले घर ही चलते हैं। नमस्ते आत्या, कैसी हैं आप? आई ने बताया था कि आप आने वाली हैं। कुछ दिन पहले आती तो मेरी यमुना की शादी देख लेती हैं आप। मैं मिठाई लेके आऊंगा घर पे। शादी की बधाई हो। धन्यवाद आत्या। अब्बा जी आरती लीजिए। आत्या आरती लीजिए। घर चलो, देर हो रही है। साई, लगता है आपको किसी का इंतजार है। हाँ, उसका ही इंतजार है जिसे जिसे मेरा इंतजार है। तब तो आ ही जाएगा आपके पास। हाँ आएगा तो जरूर, लेकिन अभी तो उसे ही पता नहीं है कि उसे आना है। रुकिए साई, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। आत्या है अप्पा जी की, जिन्हें लाने के लिए अप्पा जी गए थे। इतनी सुंदर बैलगाड़ी देखकर लगता है बहुत अमीर है आत्या।
तात्या गलती से भी इस बिस्तर पर मत बैठना, चादर गंदी हो गई ना तो कोहराम मचा देंगी तुम्हारी सुहासिनी आंजी। आई उन्हें ये रंग तो पसंद आएगा ना? पहले वाली सुहासिनी को तो सब पसंद था, लेकिन अब वाली को क्या पसंद है क्या नहीं कोई नहीं जानता। आप दोनों उनसे इतना डरते क्यों हो? मुझे याद है अज्जी बहुत पहले आई थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी, और शंकर काका को तो। कान खोलकर सुन ले तात्या, सुहासिनी के सामने शंकर का नाम भी नहीं लेना, याद रहेगा ना तुझे? अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उन्हें। लगता है आ गए। भाईजा भगवत गीता और भगवान की मूर्ति कहीं और रख देना। हाँ मैं जरा स्वागत के लिए जाती हूँ आगे। जी आप मेरे लिए मिठाई लाई है ना? मुझे आपके हाथ के बने मोदक का स्वाद याद है। तुम विद्यालय जाते होगे ना, पढ़ाई नहीं करनी? हाँ जाओ पढ़ाई करो। कैसी हो वहनी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आइए। कुछ बताना था। गांव में सुबह सुबह एक अमीर औरत आई है अप्पा पाटिल के साथ में। लगता है ये वही आत्या है जिसकी सैकड़ों एकड़ जमीन है। वही आत्या ना जिसका बेटा। वही होगी बेचारी, उसके लड़के की आयु 17 साल रही होगी। अरे ओम अहो रखो। आज तो बड़ी प्रसन्नता छलक रही है तुम्हारे चेहरे से। उस दिन तो बड़ी चिंतित नजर आ रही थी विष्णु के विवाह में। वो केशव को लेकर बहुत चिंता हो रही थी, मन घबरा रहा था। कई दिन हो गए मैं भी सोच रहा हूं उसके बारे में। बहुत दिन हुए उससे मिले, लेकिन शीघ्र ही जाऊंगा उससे मिलने। हरिओम। केशव अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कैसे पता? मेरा मन कह रहा है। चिड़िया चोंच भर ले गई घट्यो ना नदी का नीर, दान किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। माई दो चार पूरन पोली और डाल दे। अभी लाई। पहली बार निसंकोच होकर कुछ मांगा है आपने। अपने लिए तो नहीं होगा,
फिर किसके लिए है? है कोई? साईं, अप्पा जी के घर गए थे आप? अभी तो नहीं, उनकी आत्या आई है। उनके बारे में नहीं जानते होंगे ना आप? सुशील, गुणवान, धर्म कर्म से संपन्न कन्या के रूप में दूर दूर तक प्रसिद्धि थी सुहासिनी आत्या की। घर की साफ सफाई होती है? होती है ना आत्या भाई, मैं खुद पूरे घर को दो बार साफ कर चुकी हूँ। अपने गुणों के कारण एक बहुत बड़े घर में बिना दहेज के ब्याही गई थी वो। एक संतान भी हुई, शंकर, लेकिन फिर भाग्य का चक्र बदला, अचानक उनके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन वो टूटी नहीं, बिखरी नहीं, हौसला था उनमें, एक पर्वत की तरह अडिग होकर अपने पूरे परिवार को एक रखा, अकेले सारे दायित्वों को निभाती रही। बचपन से चील जैसी आंखें हैं इसकी। गलती हो गई आत्या भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा। घर के काम पर ध्यान तभी लगेगा जब ध्यान लगाने से फुर्सत मिलेगी। मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। फिर अचानक ना जाने उनके पुत्र को कौन सी बीमारी लग गई, जो एक बार बिस्तर में पड़ा कभी उठ ही नहीं पाया। हकीम, वैद्य सबने यही कहा, अब तो ईश्वर ही इसको बचा सकते हैं। फिर ऐसा कोई मंदिर नहीं, दरगाह नहीं, कोई ऐसी चौखट नहीं जहां उन्होंने सर ना झुकाया हो। एक साधु ने कहा, इसे चारों धाम की यात्रा कराओ। सब कहने लगे, एक अकेली औरत अपने बीमार बेटे को लेकर कैसे जाएगी? मैं अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। उसके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मेरा भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। मेरी प्रार्थना, मेरी मन्नत तो जरूर मानेगा ना? साधु महात्मा, जिसने जो जो कहा उन्होंने सब किया, दान, धर्म, हवन, 100 ब्राह्मणों का भोजन, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। होने को कौन टाल सकता है? 17 साल का था शंकर, पिछले साल ही चल बसा। मां की कोख सुनी हो गई। सुना है उस दिन के बाद सुहासिनी आत्या बिल्कुल बदल गई। पूरे 12 माह के बाद उस घर से पहली बार निकली है सुहासिनी आत्या। शायद आप उनके मन का बोझ हल्का कर पाए।
उन्हें तसल्ली दे पाए। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, हमें सिर्फ वही प्राप्त होता है जिसे पाने के लिए हम तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं। मैं कुछ समझी नहीं साईं। अभी समय नहीं आया है। आजकल आपकी झोली मिठाइयों से भरी रहती है साईं। हाँ, किसी को भूख कुछ ज्यादा ही लगती है। इसकी सारी मिठाई और नमकीन कल ही तो चुराए थे हमने, फिर आज इसके पास और मिठाई कहाँ से आ गई? और पूरन पोली भी? फिर से खेलोगे हमारे साथ? क्या डर गए? तुम लोगों के साथ मुझे नहीं खेलना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ। मेरा दोस्त है मेरे साथ खेलने के लिए। तेरा दोस्त यहाँ? यहाँ का नहीं है, शिरडी का है मेरा दोस्त। वो मुझसे मिलने हर दिन आता है शिरडी से। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे मित्र साय हर रोज मुझसे मिलने विद्यालय के पीछे वाले जंगल में आते हैं। तात्या के साथ कैसे पेश आए मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तात्या को पास तक नहीं आने दिया और आई के पैर तक नहीं छुए तात्या ने। जैसे अब रिश्तों को मानती ही ना हूं। मुझे तो इस बात का डर है कि 10 दिन बाद क्या होगा। इसे तो लगभग खो ही चुके थे हम, वो तो साईं की कृपा से। साईं? हाँ, वो द्वारका मई में रहता है, बैरागी कहता है अपने आप को, लेकिन है कोई सिद्ध पुरुष, महान आत्मा। ये खंजर तो क्या, अगर मैं देख पा रही हूं तो सिर्फ साईं की कृपा से, वरना मैं तो अंधी हो चुकी थी। और इसके बदले में मेरे भाई के घर से कुछ भेंट चढ़ाई कि नहीं इस साई को? आप नाश्ता कीजिए। लगता है आई ने आत्या को साई के बारे में बता दिया है। कपड़े निकाल दिए हैं, आप स्नान कर लीजिए। ये तो शंकर का है। मेरे सामने मत रोना। ये देख क्या, शंकर की बचपन की निशानी अभी तक संभाल के रखी है मैंने। देखा चबा चबा कर क्या हाल करके रखा है इसने। भाई साहब बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं रे, इसीलिए उनका बचपन मूल्यवान होता है। तू भी ना अपने तात्या की ऐसी ही कोई प्रिय चीज संभाल कर रखना निशानी के तौर पे। भाईसा का नमस्कार। आई, मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं, कल यमुना आएगी पग फेरे के लिए, और कल दोपहर का भोजन हमारे घर पर हम साथ साथ ही करेंगे।
आत्या आप भी आइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। मैं नहीं आऊंगी। आत्या भाई, मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहती ये कहकर कि मुझे कोई जरूरी काम है। जो बात है उसे साफ कह देना ही अच्छा है। मैं किसी पुजारी के घर का खाना नहीं खाऊंगी। तुम्हें अपमानित करने की मेरी कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं उसके घर का खाना नहीं खाऊंगी जिसकी आमदनी का तरीका ही गलत हो। क्या करते हो तुम लोग? धर्म की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाते हो, उन्हें ये झूठा विश्वास दिलाते हो कि भगवान है। वो तुम्हारी जरूर सुनेगा, वो तुम्हारे सारे कष्टों को हर लेगा, दुखों को दूर कर देगा, बस उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंदिर में दक्षिणा चढ़ाओ। तुम्हारी कमाई की बुनियाद ही झूठी है। बेहतर होगा कि समय के रहते तुम भी ये बात समझ जाओ। मालसपति जी, आत्या ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं नहीं अप्पा जी, आपको उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं उस दुर्घटना के बाद आत्या बहुत बदल गई है, लेकिन इस हद तक बदल गई है ये मैं नहीं जानता था। आत्या मुस्कुराते तक नहीं है। तात्या या कोई भी बच्चा हो किसी को अपने पास नहीं आने देती हैं। वो आपसे या मुझसे नहीं, भगवान से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान ने उनके विश्वास को तोड़ा, छल किया है उनके साथ। अपने बेटे शंकर के मनोत्तर किसी भी संस्कार को करने से मना कर दिया था आत्या ने। उनके चाचा जी ने उनकी 13वीं की थी और वो उसमें भी नहीं बैठी थी। उपाजी के भाइयों ने मुझसे आग्रह किया था कि इस बार बरसी का श्राद्ध कर्म किसी भी हाल में हो जाना चाहिए, इसीलिए तो मैं वहां गया था ताकि मैं उनको ले जाकर श्राद्ध करवा सकूं। पर उनकी हालत देखकर लगता है कि वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है। अब 10 दिन बाद की तिथि है, उनको लेकर तो आया हूं पर पता नहीं इन 10 दिनों में वो श्राद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगी या शंकर को अपने पास जकड़े रखेंगी, उसे मुक्त नहीं करेंगी। भिक्षाम दे। बाईजा, कौन है ये? इसे मैंने सुबह भी देखा था। ये साई है। रुको, ये चावल मैं मेरे खेतों से इस परिवार के लिए लाई हूं, ऐसे बर्बाद मत करो। हम जो खाते हैं वही साई को देते हैं। ये चावल देने में अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं कुछ और दे देती हूं। भिक्षाम दे। इतनी जल्दी किस बात की बाईजा? वो साई सिर्फ 3 बार आवाज लगाता है, उसके बाद लौट जाता है। 2 बार मांग चुका है वो। आप जाने दीजिए ना इसे, साई इंतजार कर रहा है। पर क्यों? दिखने में तो सेहतमंद दिख रहा है, खुद मेहनत करके कमाता क्यों नहीं? भीख क्यों मांग रहा है? और तुम लोग भिक्षा देकर उसे बढ़ावा दे रहे हो, क्यों?
मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे तुमने कोई सबक नहीं ली क्या? तुम सबसे ज्यादा दान धर्म करती थी मैं। ऐसा कौन सा व्रत है जो मैंने नहीं रखा? दिन रात उपासना करती थी पर फिर भी इतनी उपासना करने के बाद उस भगवान ने मेरा शंकर मुझसे छीन लेने का फैसला किया। ऐसा होता है भगवान, निर्दयी क्रूर। और ये इसके जैसे लोग ईश्वर का नाम लेकर धर्म का ठोंग रचकर पैसे बनाते हैं, और वो भगवान चुपचाप देखता रहता है। भिक्षाम देहि। इसके जैसे लोग ईश्वर का नाम लेकर धर्म का ठोंग रचकर पैसे बनाते हैं, और वो भगवान चुपचाप देखता रहता है। भिक्षाम देहि। जी, ये क्या किया आपने? आईसाई को अपना बेटा मानती है, मुझसे भी पहले से। अब जब तक आईसाई को नहीं खाना खिला लेती तब तक वो खुद भी नहीं खाएंगी। आईसा, बेटा शब्द का महत्व तुम्हारे लिए इतना तुच्छ, इतना छोटा होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अपनी संतान होते हुए भी किसी भी राह चलते भिखारी को तूने अपना बेटा मान लिया? वैसा आत्या भाई अपने घाव भरने नहीं दे रही है। अगर उनकी अवस्था ऐसी रही तो पागल हो जाएंगी वो। मैं उन्हें साईं के पास लेकर जाऊंगी, उन्हें जरूरत है साईं की। इतना सब कुछ होने के बाद क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? जो असंभव को संभव करे वही साईं की कृपा है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। पर मेरी जरूरतें इतनी ज्यादा नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूंगा? साईं, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और कुछ मांगते भी नहीं, कम से कम हमें इतना तो करने का मौका दीजिए। स्वीकार कीजिए साईं। मैंने तात्या के दोस्तों से कहा था उनके लिए खाना लेकर आऊंगी। अच्छा है आप भी मेरे साथ चल रही है। कुछ खाने को दे दो।
द्वारका माई में सब लोग बड़ी दूर से आए हैं। भोजन का समय भी हो गया है और आप लोगों को भूख भी लगी होगी। एक काम करते हैं, आप लोग बर्तन ले आए और यहाँ जो कुछ भी अन्न सब्जी वगैरह आया है उससे यही खाना पकाएंगे और सब लोग मिल बांट कर खाएंगे। अल्लाह मालिक। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा ये क्या है बायजा? द्वारका माई। द्वारका माई? हाँ, साई ने नाम रखा है, यही रहता है ना वो, दूर दूर से लोग आते हैं उससे मिलने। तो तू इसलिए मुझे यहाँ ले आई है? विद्यालय का सिर्फ बहाना था, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो बायजा। माफ कीजिएगा आत्या बाई, लेकिन मेरे विचार से आपको एक बार साई से मिलना चाहिए। आपके जितनी अनुभवी प्रबुद्ध नहीं हूं मैं। साई को लेकर आपके मन में जो भी शंका है, प्रश्न है, उसके उत्तर नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप एक बार साई से मिलेंगी ना तो सारे उत्तर मिल जाएंगे आपको। इधर क्या झांक रहा है, चल भाग यहां से। इतना सारा खाना बना रहे हैं, क्या मुझ गरीब के लिए थोड़ा भी नहीं है? अरे चंदू, तुम्हें भोजन चाहिए ना, तो जाओ ये बर्तन धो डालो। जब तुम सारे बर्तन धो लोगे तो तुम भोजन कर सकते हो। जाओ। भोजन पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि तभी तुम भोजन पाने के अधिकारी होगे। अगर तुम बिना परिश्रम किए अपना पेट भरना चाहते हो तो तुम न सिर्फ अपना बल्कि अपने अंदर निवास करने वाले उस ईश्वर का भी अपमान कर रहे हो। वाह! वाह 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 वाह! बायजा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस आदमी का ढोंग और दोगलापन में इतनी आसानी से साबित कर पाऊंगी। इसने तो खुद ही अपना पाखंड दिखा दिया। जो इंसान शिरडी में घर घर में जाकर भिक्षा मांगता है बिना कोई परिश्रम किए, और जब एक भूखा गरीब इसे भिक्षा मांगता है तो ये कहता है नहीं, बिना मेहनत के कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। जीवन में आज तक एक से बढ़कर एक पाखंडी कपटी धूर्तों का सामना किया है मैंने,
पर आज तक तुझ जैसा इंसान नहीं देखा। अरे वो लोग भी मर्यादा में रहकर आटे में नमक बराबर झूठ बोलते हैं और तुम खुले आ कथनी कुछ और करनी कुछ। भाईजा ने सच ही कहा था, मैं एक बार तुझसे मिल लूं तो मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं तुझ जैसे इंसान के बारे में जो सोचती थी वही सही है, वही सच है। देखिए आप साईं का अपमान कर रही हैं, आप शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। आप शायद आपको पता नहीं कि साईं का शिरणी में क्या महत्व है। यकीनन आप नहीं जानती, वरना आप हरगिज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। मन अनमना न तोलिए, शब्द के मोल न तोल, मूरख लोग न जानसी, आपा खोया बोल। अशांत या व्याकुल अवस्था में कही हुई किसी की बात का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। अज्ञानी लोग इस बात को नहीं समझते, इसीलिए किसी भी बात पर अपना संतुलन खो देते हैं। और फिर इन्हें तो अधिकार है मुझसे कुछ भी कहने का। और फिर मेरी भाईजा माँ की तो बुआ सास ही है। इस नाते मेरा भी तो रिश्ता हुआ इनसे। कहिए क्या कह के पुकारूं आपको। मुझसे रिश्ते नाते जोड़ने की जरा भी कोशिश मत करना। तूने भाईजा को ये कहकर विश्वास दिलाया कि तुम उसके बेटे जैसे हो ताकि वो तेरा अच्छे से ख्याल रखे, पर ऐसा करने से तूने तात्या से वो छीना है जिस पर सिर्फ उसका अधिकार है। असली नाता तो खून का होता है, बाकी सब तो शब्दों के बुने गए चाल होते हैं, अपना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। और तुम सब क्यों आते हो यहाँ? तुम लोगों की वजह से ऐसे इंसान को बढ़ावा मिलता है। किस बात की श्रद्धा है इस पर? अरे इंसान ही तो है तुम्हारे जैसा। और द्वारका माई, किसी को कृष्ण के दर्शन हुए हैं क्या यहाँ? असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाई है साईं ने, बिना भेदभाव किए मुफ्त में इलाज करते हैं सबका, हम सबका जीवन सुधार दिया है साईं ने। सच? तुम तो सच में गुणी हो, सामर्थ्यवान हो, सबके दुख दर्द को दूर करते हो, तो फिर भिक्षा क्यों मांगते हो? वो भी ईश्वर का नाम लेकर। औषधि देते हो ना, इलाज करते हो ना, तो फिर पैसे ले लो। काम करते हो तो दाम ले लो, बात खत्म। दाम तो वो ले जो इलाज करता है। मैं तो सिर्फ दवा देता हूं, दुआ करता हूं। मालिक तो वो है। तुमसे बर्तन धुलवाने का उद्देश्य ये था कि जब तुम वहां भोजन करने बैठो तो तुम्हें इस बात का संतोष रहे कि इस भोजन को प्राप्त करने के लिए तुमने योगदान दिया है। और तुम लो, तुम लोग भिक्षा तभी दो, और वही दो
जो तुम्हारे लिए संभव हो, जो तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा हो। कभी ये सोचकर भिक्षा मत दो कि उसके बदले तुम्हें कुछ मिलेगा। ये सोचकर भिक्षा मत दो कि भिक्षा देने से तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें पहचानेंगे। भिक्षा देनी है तो ये सोच कर दो कि तुम लोगों की मदद करने में सक्षम हो। काम भी उसका और नाम भी उसका, तुम तो सिर्फ एक जरिया हो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सच कहा साईं, भेंट देने के पीछे मेरा स्वार्थ छुपा था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं भी काम करने की कोशिश करूंगा साईं। दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों को अपना धर्म निभाना चाहिए। अब तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा ना साईं से? आपके मन में जो भी है आप कह सकती हैं साईं से। और शंकर के भोजन का समय हो गया है। सबुरी कक्षा खत्म होने के बाद फिर गायब हो गया था एकेश। कहीं चंबल तो नहीं गया था अपने उसी दोस्त से मिले? अब तो उसका पीछा करना ही पड़ेगा। एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है इसे। समझे तो रहस्य क्या है? साईं कहते हैं लोगों को गलती सुधारने का एक अवसर मिलना चाहिए। तो चलो मेरे साथ।
अपमान पाते का इंतजार भी नहीं किया। पहले तो सबको खिला के खाया करती थी, अजीब सी हो गई है सुहासिनी। जानती हैं आई आत्याबाई ने द्वारका बाई में क्या कहा? कह रही थी कि मेरे और शंकर के खाने का समय हो गया है। शंकर इसी समय खाना खाता था ना? हाँ ठीक, इसी समय खाना खाता था वो, और मुझे भी उसके साथ खाना होता था। तुझे तो याद होगा, भूख जरा भी सहन नहीं होती थी उसे। आप कुछ दान देना चाहेंगे? अगर कोई खरीदारी करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। दान मतलब श्राद्ध, जो एक साल बाद, मतलब जिसके लिए आप आई है। मैं यहाँ श्राद्ध करने नहीं आई हूँ। हाँ घर वाले यही चाहते हैं, पर मैं नहीं करने वाली कोई श्राद्ध। पता है साईं को बच्चों से बहुत लगाव है, अब बच्चों को साईं से। हम सब विद्यालय के बाद खेला करते थे। ये तो बातों बातों में हमें दिनेश जंगल पे ले गया है, इसे डर नहीं लग रहा है? ये है साईं। पागल कौन है? यहाँ कहाँ से आ गया? ये पागल नहीं, इंसान के रूप में तो जानवर है। साई उसके करीब मत जाइए, ये पागल है।
किसने कहा ये पागल है? ये तो भूखा है स्नेह का, प्रेम का, और सबसे ज्यादा अपनी मां के प्रेम का। इस तेल की सुगंध तो बहुत अच्छी है। शंकर के लिए बनाती थी मैं, उसके बालों में यही तेल लगाती थी। तो आप भी यही तेल लगाती हैं? मैंने कहा ना तुमसे, शंकर के लिए बनाती थी। बड़ी अच्छी खुशबू है। तात्या, आओ तुम्हें खाना दे देती। जिपरी, ध्यान से, अगर निशाना नहीं लगा ना तो हमारे दल की जीत पक्की है। देखते हैं। अरे वाह, तुम्हारा निशाना तो बहुत पक्का है, दूर से ही मार लिया। कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? नाम क्या है तुम्हारा? क्या तुम हमारे दल में रहकर खेलोगे? नहीं नहीं, ये हमारे दल पे खेलेगा। नहीं नहीं, हमारे दल में खेलेगा। तुम्हारे नहीं, हमारे दल में खेलेगा। धक्का क्यों मारा? शांत हो जाओ, क्या हो गया? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ उसे? वो इतनी जोर से चीखा क्यों? उसे किसी ने चोट पहुंचाई? नहीं, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि उसने मुझे धक्का दिया। चलो उसके पीछे जाके देखते हैं। आप इसे जानते हैं? हाँ, अब से ये मेरे पास ही रहेगा। लेकिन ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये बोल नहीं सकता? बोलेगा, जरूर बोलेगा ये, लेकिन सिर्फ उससे जो इसकी बात सुनने के लिए उतना ही बेचैन हो जितना कि ये अपनी बात कहने के लिए है। एक बार इसे इसकी मां मिल जाए फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माँ तो सबके पास होती है, इसकी माँ नहीं है? है, इसकी भी माँ है, बस दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। ये दोनों ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को।
नाम क्या है साई? इसका कोई नाम नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम लोग एक अच्छा सा नाम सोचकर इसका नामकरण कर दो? हाँ, राम कैसा रहेगा? नहीं नहीं, श्याम नाम कैसा रहेगा? यदु कैसा रहेगा? गोपाला? पता है मेरे पास एक छोटी सी गिलहरी है जिसका नाम मैंने सत्तू रखा है। तुम्हारा सत्तू नाम रख दे। तू गिलहरी के नाम पे इसका नाम रखेगा? देखो इसे ये नाम पसंद आया। तो आज से इसका नाम सत्तू। लगोरी विजेता सत्तू। साई, हम लोग जो कह रहे हैं क्या इसे समझ में आ रहा है? भले ही इसे शब्द समझ में ना आ रहे हो, लेकिन भाव तो समझ में आ रहा है। तुम लोग इसे देखकर खुश हो रहे हो, देखो इसीलिए ये भी मुस्कुरा रहा है। और साई, इसे हमारी बातें समझ में कब आएगी? जिस दिन इसकी माँ इसे मिल जाएगी, ये भी संवर जाएगा। जब तक सत्तू को उसकी माँ नहीं मिल जाती, हम सब मिलके उसकी देखभाल करेंगे। मैं इसके लिए कपड़े लाऊंगा। मैं इसके बाल बनाए करूंगी। पर मैं क्या करूं? सत्तू के बालों की दशा देखो, बालों में डालने के लिए तेल की जरूरत होगी। मैं सत्तू के लिए सबसे अच्छा तेल लाऊंगा। आई 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 आई, कोई नहीं है। कहाँ चले गए सब? किससे पूछूं? सत्तू, सत्तू, देखो मैं तुम्हारे लिए तेल लाया। लगता है सत्तू को तेल बहुत पसंद आया। जिस चीज में स्नेह, प्रेम, अपनत्व शामिल हो, वो किसे पसंद नहीं आएगी। शायद देखिए मैं इसके लिए कपड़े लाया। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई सबुरी, सबुरी। ज्योति शुभंकर साई राम। साई, साई, साई।
थोड़ा पानी ले आया। साई, सत्तू अपने माँ से कैसे बिछड़ गया? मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण इसके माता पिता ने इसे छोड़ दिया होगा। तुम्हें ये हमसे अलग लगता है? क्यों लगता है अलग? इसकी भी अपनी कुछ खासियत है, और मनुष्य में धैर्य नहीं है दूसरे की खासियत देखने का, क्योंकि मनुष्य की आदत है दूसरे में दोष ढूंढना। तात्या, क्या तुमने नहीं कहा था कि लागोरी में इसका निशाना बहुत पक्का है? हाँ, इसने बहुत दूर से पत्थर फेंका था और एकदम बीचों बीच जाके लगा था। इसमें और भी कई खासियत होंगी जो इसे हमसे बेहतर बनाती हैं, और इसका परित्याग करने वालों को कभी उन खासियतों का पता नहीं चलेगा। घर वालों ने इसे भले ही छोड़ दिया, लेकिन नियति ने इसे नहीं छोड़ा है, और इसकी नियति है एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जो कि इसका इंतजार कर रही है। आत्या बाई के सारे कपड़े अलमारी में रख देती हूँ, हर रोज संदूक खोलना पड़ता है उन्हें, आसान हो जाएगा उनके लिए। आत्या भाई, शंकर का सामान साथ में लेकर क्यों आई है? एक माँ इतने दर्द उठाए जी रही है। आत्या भाई को इस तकलीफ से मुक्त कर दो साई, मुक्त कर दो उन्हें। बाईजा, ये क्या कर रही हो तुम? आत्या भाई, मैं बस आपके कपड़े अलमारी में रखने जा रही थी। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। आइंदा से मेरी संदूक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आत्या भाई, कुछ कहूं आपसे, इस संदूक में किताबें हैं ना शंकर की? गांव में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किताबें नहीं खरीद सकते हैं, अगर हम ये किताबें उन्हें दे दे तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? फिर कभी ऐसा मत बोलना। तुम अपना बेटा होते हुए भी किसी अनजान अपरिचित को अपना बेटा कह सकती हो, पर मैं नहीं। मेरे लिए मेरा बेटा ही सिर्फ मेरा बेटा है। मेरे बेटे की चीजों पर सिर्फ उसका अधिकार है और किसी का नहीं। किसी को देना तो दूर, मैं किसी को छूने भी नहीं दूंगी इसे। आई आई, वो जो सुगंधित तेल है ना, वो मैंने सत्तू को दिया, उसे बहुत अच्छा लगा। क्या, कौन सा सुगंधी तेल? तात्या, बिना पूछे क्यों लिया तुमने? हाँ, उस समय घर पर कोई था ही नहीं, तो मैं किससे पूछता? तूने मेरे शंकर के तो रुक जाते ना कुछ देर। और कौन है ये सत्तू? वो मेरा नया दोस्त है आजी। सब कहते हैं वो हमसे अलग है, उसका कोई परिवार नहीं है और ना ही उसके पास कुछ है। अब वो साई के साथ रहेगा द्वारका माई में। साई कहते हैं उसे एक माँ की जरूरत है, और हम सब बच्चों ने साई से वादा किया है कि तब तक हम सत्तू का ध्यान रखेंगे। इसलिए सारे बच्चे अपने अपने घर से कुछ ना कुछ सत्तू को लाकर दे रहे हैं। तात्या बेटा, तुम्हारी मंशा अच्छी थी, लेकिन तुम्हें किसी से पूछ लेना चाहिए था ना। बाईजा, इसे उपदेश क्यों दे रही हो? असली दोषी तो तेरा साई है, वो बिगाड़ रहा है इस बच्चे को। नहीं आत्या बाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बाईजा, गांव के बच्चों को वो साई बिगाड़ रहा है, इस घर के बच्चे को साई महिला फुसला रहा है। जो चीज मेरी है उसे कोई नहीं ले सकता, खास करके वो चीज जो जो मेरे शंकर की है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे।
पता नहीं लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा है कि तुझ जैसा इंसान उनका फायदा उठाकर उन्हें मूर्ख बना रहा है। अब तो इस बच्चे को भी ले आए हो कहीं से, इसके नाम पे लोगों से मांगना शुरू कर दिया है, कल को इससे भिक्षा मंगवाओगे। ये कोई तेरा अपना तो है नहीं, इसीलिए शरण दी है ना, बोल। मैं सबका हूं और सब मेरे, यही मेरे लिए भी सच है और आपके लिए भी। मुझ में और आप में फर्क है तो सिर्फ इतना कि मैंने अपने हृदय को सबके लिए खोल रखा है और आपने इसे बंद कर लिया है। एक बार अपने मन के दरवाजे खोल के तो देखिए। मुस्कुरा क्यों रहा है? मुझे लगा तो दुखी होगा। लोग अक्सर कहते कुछ हैं और उनका मतलब कुछ और होता है। सत्तू की यही तो खासियत है कि वो आपके शब्दों के आंचल में छुपे आपके जज्बात को समझ रहा है। जज्बात में उसे एक मां का प्यार दिखाई दे रहा है, एक मां की पुकार सुनाई दे रही है। मुझसे ऐसी बातें करने की कोशिश मत करो साई, मुझ पर तरस खाने की कोशिश मत करो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.